सारी कंपनीज पहले बना रखी है और आपको कौन सी कंपनी ओपन करनी है आप उसके लिए यूज करेंगे। अब आते हैं शट कंपनी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको ये कंपनी यहाँ पर दिख रही है कि आपकी ऑलरेडी खुली हुई है। अगर आप अपनी कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर करेंगे शट कंपनी, और अगर आप दोबारा कंपनी बनाना चाहते हैं तो आप क्रिएट कंपनी का यूज करेंगे। और अगर आप पहले ही क्रिएट कर चुके हैं उसके अंदर आपको कुछ मॉडिफाई चीजें करनी है तो आप अल्टर का यूज करेंगे। तो ये तो हो गए मेन टॉपिक कि हमें किसमें क्या यूज करना है। तो चलिए आइए अब मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाती हूँ। सबसे पहले क्रिएट कंपनी हम कर चुके थे, अब हम इसमें करते हैं अल्टर। एंटर करेंगे, यहाँ पर दिखा रहा है कि आपकी कंपनी का नाम है, यहाँ पर आप एंटर करेंगे। अब यहाँ पर अगर अब हमें कोई चीज़ें चेंजेस करनी है तो हम बहुत इजीली चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आएंगे, जैसे कि आपको कंट्री चेंज करना है, स्टेट चेंज करना है, या पिन कोड गलत डाल दिया, या फ़ोन नंबर आपका गलत हो चुका है, या आपने वेबसाइट बना ली है उस पर आप डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट डाल दी है www.jkm.com। अब यहाँ पर मैंने इसको एंटर कर दिया तो यहाँ पर ये मेरा ऐड हो गया, यानी कि हमने अल्टर कर दिया है। फाइनेंशियल कभी भी चेंज नहीं होगा, वो हमारा ये रहेगा, 19 चल रहा है। अब अगर हम चाहें इस कंपनी में पासवर्ड भी लगा सकते हैं, तो पासवर्ड लगाने के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर यहाँ से पूछेगा आपसे यूज, तो आप यहाँ पर वाई कर देंगे, इट मीन्स यस करना है, एंटर कर देंगे। अब आपसे यहाँ पर पूछेगा नेम ऑफ, किस नेम पे आप करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने यहाँ डाल दिया जी क्या। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा पासवर्ड, तो आपको पासवर्ड क्या रखना है, तो मैंने यहाँ पर पासवर्ड रख दिया है, तो मैंने यहाँ पर डाल दिया पासवर्ड 123456। यहाँ पर अभी कह रहा है कि थोड़ा वीक है, आप चाहें तो और भी डाल सकते हैं, बट मैंने इतने रखा है, एंटर करेंगे। अब हमें ये रिपीट पासवर्ड करना होगा, तो सेम पासवर्ड डाल दिया है और अब एंटर करेंगे। यहाँ पर एंटर करते करते आ जाएंगे और एंटर से एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर आ गया है रीलोड कंपनी, यानी कि हमारा जो भी इसमें मॉडिफाई किया है वो आ गया है। अब वो आपसे फाइनली पूछ रहा है, हमने नेम ऑफ यूजर क्या रखा था, JKM, तो मैंने यहाँ पर JKM कर दिया है। पासवर्ड क्या डाला था, एक बार हमें कंफर्मेशन डालना पड़ता है, 1 2 3 4 5 and 6, then enter। तो अब आपकी कंपनी में पासवर्ड लग चुका होगा, तो इसे हम वापस करते हैं, स्केप करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये वापस हो चुका है, इट मीन्स हमने कंपनी में पासवर्ड काम कर दिया है। अब यहाँ पर होता है शट कंपनी। शट कंपनी का काम होता है कि अगर आपको ये कंपनी यहाँ से हटानी है, यानी कि जहाँ पर लिखा है नेम ऑफ कंपनी, तो हम क्या करेंगे, शट कंपनी, यहाँ पर दिखा रहा है जे के एम प्राइवेट लिमिटेड, एंटर। तो यहाँ पर देखिए कंपनी आपके पास जो भी होगी वो आपकी कंपनी हट जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कंपनी हट चुकी है। अब मान लीजिए आप नेक्स्ट आए, आपने अपना टैली ओपन किया, अब आपकी जो कंपनी आपकी हटी है उसको आपको वापस लाना है, तो कैसे लाएंगे, आप कंपनी इन्फो के अंदर ही है, यहाँ पर हम करेंगे सिलेक्ट कंपनी, एंटर करेंगे। सिलेक्ट कंपनी के अंदर यहाँ पर देखिए आपके आ चुका हुआ है JKM वाली थी, और उसका ये नंबर होता है सीरियल नंबर, और फाइनेंशियल ईयर आपको दिखा रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल ईयर हमारा कौन सा चल रहा है, 1 अप्रैल 2019 से स्टार्ट होगा, 31 मार्च 2020 तक होगा, एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर अब ये कंपनी कौन ओपन कर सकता है, जिसने कंपनी में पासवर्ड लगाया था या जिसे ये कंपनी का पासवर्ड और यूज़र पता होगा। तो यहाँ पर जो मेरा यूज़र था वो JKM था और पासवर्ड था 123456। तो देखिए यहाँ पर मैंने एंटर कर दिया, तो यहाँ पर आपके पास देखिए कंपनी अब आपकी खुल चुकी हुई है। तो आपने देखा कितना ईजी था कि जो ऑप्शन कहा थे वो हमने बिल्कुल प्रैक्टिकली करके देखे कि सिलेक्ट कंपनी आप कंपनी को देख सकते हैं, खोल सकते हैं, शट कंपनी आप हटा सकते हैं, ग्रेट कंपनी आप दोबारा कर सकते हैं, और अल्टर आप दोबारा उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब इस तरह से अगर आपको पासवर्ड हटाना है तो आप जैसे एंटर करेंगे, यहाँ पर एंटर करा, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटर करते जाएंगे, यहाँ पर आपके लिए पासवर्ड जहाँ पर हमने यस किया था वहाँ पर एन कर देंगे और एंटर कर देंगे। आपके सारी इन्फॉर्मेशन जो थी वो पासवर्ड वगैरह रिमूव हो चुके हैं, अब हम यहाँ पर एंटर करते रहेंगे। करंट हमें बताना होगा कोई पासवर्ड रखना है तो हम रख सकते हैं, एंटर एंटर एंटर। तो यहाँ पर मैंने इसका पासवर्ड कर दिया है और एंटर कर देंगे, रीलोड हो गया। अब यह मेरी कंपनी इस तरह से आ चुकी है, वापस करने के लिए इसके। तो आपने देखा कितना इजी था, आप कंपनी में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। अगर आप कभी भी कंपनी में कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट होती है
तो आपको दोबारा कंपनी बनाने की जरूरत नहीं है, आप उसी कंपनी में अल्टर में जाके